Now open your books, page number thirty-two. Book exercise question number one. Complete each of the following sentences by writing the correct term. आपने इन sentences को complete करना है, इनके सामने correct term को लिखना है, जो term इनको define कर रही है. It protects a seed. कौन सा ऐसा part है plant का जो seed को protect करता है? तो इसके सामने आपने mention करना है fruit. Fruit protect करता है seed को.

सेल्फ पोलिनेशन के अंदर सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होता है क्रॉस पोलिनेशन में दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट ग्रासेस आर पोलिनेटेड बाय विंड ग्रासेस की पोलिनेशन विंड के थ्रू होती है विंड एजेंट के तौर पे एक्ट करता है पोलिनेटर के तौर पे एक्ट करता है इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड डेवलप्स इनटू सीड

क्योंकि फ्लावर के अंदर ही ओव्यूल मौजूद होते हैं और ओव्यूल फर्दर सीड में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए प्लांट बॉडी का ऑर्गन जो इन्वॉल्व होगा सीड की फॉर्मेशन में दैट इज फ्लावर व्हेन अ बी विजिट्स अ फ्लावर जब शहद की मक्खी फ्लावर को विजिट करती है ए सीड स्टिक टू तो इट्स बॉडी सीड स्टिक कर जाते हैं इसकी बॉडी के साथ कॉन्स स्टिक टू तो इट्स बॉडी कॉन्स स्टिक कर जाती हैं इसकी बॉडी के साथ C1 वन पोलन ग्रेन स्टिक टू इट्स बॉडी C करेक्ट ऑप्शन है कि पोलन ग्रेन्स स्टिक कर जाते हैं बी की बॉडी के साथ Which structure is helpful to the pollen grains to carry sperms to the ovary? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है स्पर्म्स की ट्रांसफर में ओवरी तक स्पर्म्स को पहुंचाने में ए कॉटिलेटन बी कार्पन सी पोलन ट्यूब डी सीट पोलन ग्रेन्स के अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है और यह पोलन ट्यूब हेल्प करती है को ओवरी तक लेकर जाने में। इस तरह से आप सी को करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करोगे पोलन ट्यूब द स्टिकी पार्ट ऑफ अ फ्लावर ए सेपल बी स्टेमन सी ओवरी डी स्टिग्मा डी स्टिग्मा करेक्ट ऑप्शन है फ्लार का स्टिकी पार्ट स्टिग्मा होता है और इसी स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं और फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है ए रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ए टू गेमिट्स बी अ सिंगल पेरेंट प्लांट सी ओनली मेल सेक्सल एंड डी फर्टिलाइजेशन ए रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन होगा अ सिंगल पेरेंट प्लांट आपने बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर थर्टी टू कंप्लीट करना है सीड और फ्रूट का टॉपिक आज आपने याद करना है बुक एक्सरसाइज आज आपने याद नहीं करनी आज की डायरी में सीड और फ्रूट है थैंक यू